अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वर्का व्यूअर्स आज का हमारा प्रोजेक्ट है टैकोमीटर विद अडीनो चलिए शुरू करते हैं सिमुलेशन से यहाँ पे हमारे पास अडीनो का कोड है इसके बाद सर्किट डायग्राम है इसके बाद प्रोटियस सिमुलेशन है तो सिमुलेशन की फ़ाइल को आपने प्रोटियस एट पॉइंट ट्वेल्व पे ओपन कर लेना है कोड सर्किट डायग्राम और सिमुलेशन का लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमने अडीनो यूनो यूज़ किया हुआ है इसके बाद सिक्सटीन क्रॉस टू की एल यूज़ की हुई है लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी मड्यूल के साथ इसके बाद यहाँ पर हमने डी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए पी सर्किट बनाया हुआ है ट्रिपल फाइव से और इसके बाद यहाँ पर हमने एक इनकोडर मोटर यूज़ की हुई है तो इसकी इंकोडर की पल्स हमने अडिनों की टूपिन पे दी हुई है तो चलिए सिमुलेशन रन करने के लिए अडीनों का कोड ओपन करके एक्सफल जनरेट कर लेते हैं तो ये हमारा कोड है इसके साथ एड्र फल है लिक्विड क्रिस्टल की कोड ओपन करने से पहले आपने एक बात को इंश्योर करना है कि जिस फोल्डर में आपका कोड है उसी फोल्डर में ये एड्रेस फाइलें भी होनी चाहिए हैं तो यहाँ से अपने कोड अडीनो आईडी पे ओपन कर लेना है तो ये हमारा कोड है कोड का को ओवरव्यू आपको बाद में देता हूँ तो यहाँ से अपने टूल्स में जाना है और बोर्ड में जाना है और यहाँ से अपने बोर्ड कन्फर्म करना है अडीनो यूनो बोर्ड कन्फर्म करने के बाद यहाँ से अपने कोड को कंपाइल करना है डन कंपाइलिंग कोड हमारा कंपाइल हो गया हुआ है तो यहाँ से अपने एक्सफेल का एड्रेस कॉपी कर लेना है कोड कंपाइल करने पे अगर आपको एक्सफेल का एड्रेस यहाँ पे नीचे शो नहीं होता है तो आपने डीनो आईडी की फाइल्स में जाना है और वहाँ से आपने प्रेफरेंसेस में जाना है और वहाँ से आपने कंपलेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद दोबारा से कोड को कंपाइल करना है और एक्सफेल का एड्रेस आपको नीचे शो हो जाएगा तो यहाँ से आपने ये एड्रेस कॉपी कर लेना है ये एड्रेस आपने डीनो में इंक्लूड कर देना है इसके बाद फाइल आपने रन करनी है जैसे ही हम फाइल रन करते हैं फ़र्स्ट मैसेज एल पे डिस्प्ले हो जाता है 2000 थाउजेंड मिली सेकेंड ले के लिए इसके बाद आर पी एम डिस्प्ले हो जाएंगे आर जो कि रेजोलेशन पर मिनट है तो जैसे कि मोटर हमारी मूव हो रही है और जैसे ही 2000 थाउजेंड मिली सेकेंड कम्प्लीट होंगे एल सी डी पर हमें फोर डिजिट में आर पी एम शो हो जाएंगे तो जैसा कि आर पी एम हमें शो हो गए हुए हैं तो यहाँ से हमने जो इनकोडर मोटर प्रोटीअस पे यूज़ की हुई है ट्वेंटी फाइव हंड्रेड आर पी एम की है अभी यहाँ पर ड्यूटी साइकिल हमारा फिफ्टी परसेंट पे है तो फिफ्टी परसेंट के मुताबिक मोटर हमारी रन हो रही है अब जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल इंक्रीज़ करेंगे तो उस कंडीशन के ऊपर मोटर की स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी और साथ साथ एल सी डी के ऊपर रेजोलेशन पर मिनट अपडेट होती जाएगी अब हम यहाँ से ड्यूटी साइकिल डिक्रीज कर लेते हैं अब जैसे जैसे हम ड्यूटी साइकिल को डिक्रीज करते जाएंगे तो रेजोल्यूशन पर मिनट हमारी कम होती जाएगी तो यहाँ पर जो हमने मोटर यूज़ की हुई है ये हमें वन रेजोल्यूशन पे वन पल्स दे रही है तो कोड के अंदर हमने वन रेजोल्यूशन पे वन पल्स ही सेट की हुई है ये मोटर आउटपुट सिग्नल पी एन पी जनरेट कर रही है कोड के अंदर हमने पी एन पी के मुताबिक सेटिंग की हुई है तो ये थी हमारी सिमुलेशन चलिए अब आपको सर्किट डायग्राम का और भी दे देता हूँ यह हमारी सर्किट डायग्राम है इसमें सबसे पहले हमने पावर सोर्स के लिए नाइन वोल्ट की बैटरी यूज़ की हुई है इसके बाद अडीनो योनो यूज़ किया हुआ है इसके बाद सिक्सटीन क्रॉस टू की एलसीडी यूज़ की हुई है आई टू सी मोड्यूल के साथ इसके बाद यहाँ पर हमने आर पी एम रीड करने के लिए यू टैप ऑप्टो कपलर सेंसर यूज़ किया हुआ है यहाँ पर हमने जो मोटर के साथ डिस्क यूज़ की हुई है वन रेजोल्यूशन पे ट्वेंटी पल्सें प्रोवाइड कर रही है इसी तरह ही इन सेंसरों में से कोई भी सेंसर हम यूज़ करेंगे तो उसका एन पी एन या पी एन पी कन्फर्म करके हम कोड के अंदर डिफाइन करेंगे और इसके बाद वन रेजोलेशन पे कितनी पल्सें हम रीड कर रहे हैं वो चीज़ डिफ़ाइन करेंगे जैसा कि ये हाल फैक्ट सेंसर हमें वन रेजोलेशन पे वन पल्स दे रहा है जैसे कि डिस्क के ऊपर हमने एक मैग्नेट लगाया हुआ है इसी तरह है अगर हम डिस्क के ऊपर थ्री मैग्नेट और इंक्लूड कर देंगे तो उस कंडीशन के ऊपर हमें ये एक रेजोलेशन पे चार पल्सें प्रोवाइड करेगा तो हम कोड के अंदर वो फोर पल्सें इंक्लूड कर देंगे तो ये थी हमारी सर्किट डायग्राम चलिए अब डायग्राम के मुताबिक हार्डवेयर ज्वाइन कर लेते हैं वेलकम बैक चलिए अब कोड अडिनो में अपलोड कर लेते हैं तो कोड के साथ यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल आई सी की हाइड्रोफाइलें भी ओपन होगी हुई हैं तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जिस फोल्डर में आपका कोड होगा उसी फोल्डर में ये दोनों फाइलें भी होनी चाहिए हैं लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी पे पहले से हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हुए हैं जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा तो वहाँ से आप जान सकेंगे लिक्विड क्रिस्टल आई टू सी मोड्यूल के एड्रेस कैसे सेट करने हैं यहाँ पर हमने एड्रेस के साथ सिक्सटी क्रॉस टू की एल सी डी नीचलाइज की हुई है इसके बाद आर पी एम सेंसर हमने अडीनो की टू पिन के साथ अटैच किया हुआ है तो यहाँ पर हमने सेंसर की पिन इनिशियलाइज की हुई है इसके साथ ही यहाँ पर हमने सेंसर की वेरिएबल इनिशियलाइज की हुई है अगर सेंसर आपका पी है तो उस कंडीशन के ऊपर आपने इस वेरिएबल को वन के इक्वल रखना है अगर सेंसर एन, एन है तो उस कंडीशन के ऊपर इस वेरिएबल को आपने जीरो कर देना है इसके साथ ही सेट पल्स की वेरिएबल है तो वन रेजोलेशन पे जितनी पल्जें हमें मिल रही होंगी तो यहाँ पर हमने सेट कर लेनी है जैसा कि अभी हमने जो मोटर के साथ जो हमने कोड डिस्क यूज़ की हुई है वो ट्वेंटी होल्स वाली है तो यहाँ पर हमने ट्वेंटी पल्सें सेट कर ली हुई हैं इसके साथ ही मैक्सिमम आर की वेरिएबल है तो इसको हमने नाइन थाउजेंड नाइन हंड्रेड नाइनटी नाइन के इक्वल कर लिया हुआ है तो जैसा कि फोर डिजिट में हमने आर पी एम मीटर बनाया हुआ है तो यहाँ पर हमने फोर डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू सेट कर ली हुई है यहाँ पर अपने कोड में मेन मेन चीज़ें जो सेट करनी थी यहाँ से आपने सेट कर लेनी है इसके बाद अपने टूल्स में जाना है टूल्स में जाने के बाद बोर्ड कन्फर्म करना है डीनो यूनो इसके बाद पोर्ट सेलेक्ट करनी है पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से अपने कोड अपलोड कर देना है डन अपलोडिंग कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है तो चलिए अब आपको हार्डवेयर का और भी दे देता हूँ अभी हमने जो सेंसर हार्डवेयर में इंक्लूड किया है आल फेक्ट सेंसर है ये एन सेंसर है तो एन सेंसर के लिए आपने सेंसर की वेरिएबल को जीरो कर लेना है अभी हमने मोटर के साथ जो कोड डिस्क यूज़ की है उसके ऊपर हमने फोर मैगनेट अप्लाई किए हुए हैं यानी कि एक रेजोलेशन पे हमें फोर पल्सें मिलेंगी तो यहाँ पर हमने सेट पल्स की वेरिएबल को फोर इक्वल कर लेना है तो चलिए आप कोड को दोबारा से डिनो में अपलोड कर लेते हैं डन अपलोडिंग कोड हमारा अपलोड हो गया हुआ है अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अपनी राय समय कमेंट्स में, में ज़रूर आगा करें और अगर चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहें